डाटा मुझे और मुझे एक चाटा मारा था जेपी टीचर ने चाटा मारा था। आपको बिनोमो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप डेली इनकम कर सकते हो और अपने डेली के खर्चे निकाल सकते हो। इंडिया में 2 मिलियन प्लस लोग बिनोमो में ट्रेडिंग करते हैं। चलो ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर क्लिक करके आप एसेट पर सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अमाउंट पर क्लिक करने के बाद अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट लगाना है। जैसे कि मैंने अभी लगा दिया 350 रुपीज। उसके बाद आपको 15 मिनट तक वेट करना है और प्रेडिक्शन करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपको लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये देखो मैंने लगा दिए 350 रुपीज उस पर और ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये लो मैं जीत गया 650 रुपीज। और अर्न किए पैसे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हो तो आपको मिलेगा 65,000 रुपीज इन डेमो अकाउंट। तो बिनोमो ऐप की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर यू बिनोमिस्ट? ज्वाइन नाउ। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे लोग खुश होंगे, सेफ होंगे। ऐसे ही खुश रहो, सेफ रहो, सतर्क रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज का वीडियो है Q&A वीडियो, क्वेश्चन आंसर वीडियो। जैसे मैंने कहा था कि जब हम लोग 150 के हिट करेंगे YouTube पे, सो फाइनली हमने 150 के हिट कर दिया YouTube पे। तो मैंने कहा था कि हम लोग Q&A वीडियो बनाएंगे, तो मैंने क्वेश्चन बॉक्स डाला था मेरे Instagram पे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर। आपके होंगे क्वेश्चन, मेरे होंगे आंसर। नो ऑप्शन, कोई लाइफ लाइन नहीं रहेगी, एक क्वेश्चन एक ही आंसर। चलिए तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ मेरा पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सपीरियंस ऑफ योर, अच्छा ये पूछना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आप डांस करने जीते। थोड़ी इंग्लिश आगे पीछे है। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस विनर बनने का, मतलब वो तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो ये एक सपना था कि मैं एक हिंदी रियलिटी शो जीतूँ और ट्रॉफी घर लेके आओ। सो ये तो मेरा सपना ही था, मुझे करना ही था पूरा। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बट यही है कि मुझे ये नाम अभी बना के रखना है और मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है। व्हाट इज योर अपकमिंग प्लान्स? ये सबका क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, अपकमिंग प्लान्स क्या है। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा है कि मुझे अभी ये करना है, मतलब पता नहीं क्यों मैंने सोच के नहीं रखा। जो अभी रास्ते में आएगा जर्नी के मेरे लाइफ में, जो मुझे आएंगे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, वो मैं ग्रैब करूँगा और उस पर काम करूँगा अच्छे से। तो बस फिलहाल तो मैंने यही सोचा है। अगर कहीं से वापस अगर कुछ इंस्पायर हो गया और कुछ करने का मन किया तो फिर मैं उसके तरफ काम करूँगा, बट फिलहाल जो मेरे लाइफ में आएगा उस पर मुझे काम करना है और मेरे डांस पर मुझे इम्प्रूव करना है। और जो भी मैं अपने लाइफ में करूँगा इंटरेस्टिंग, मेरे फ्यूचर प्लान्स जो भी रहेंगे, मैं सब कुछ अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको बताते रहूँगा। क्वेश्चन सबके कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कितने साल का हूँ। तो मेरी एज 23 साल है और मैं हूँ नागपुर महाराष्ट्र ऑरेंज सिटी से, संतरा नागपुर। एट व्हाट एज विल यू डू मैरिज? अरे बच्चा बेचारा पंछी है, उड़ना चाहते हैं उड़ने दे, शांति से पेड़ पे बैठना चाहते हैं बैठना दे। Who was your best friend in DD3? So, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे DD3 में? वो थे रुपेश भाई, सागर सर, साहिल, पपई और विशाल। What's your favorite studio or place to dance? मैं जहाँ पे हूँ ये मेरी फेवरेट प्लेस है और ये मेरा फेवरेट स्टूडियो है। ये हमारा स्टूडियो है पॉइजन रॉकस्टार डांस एकेडमी, जो है मानेवाड़ा में। यू गाइस कैन कम एंड विजिट एंड मीट मी। आपको गूगल पे मिल जाएगा यहाँ का लोकेशन, डोंट वरी, पॉइजन रॉकस्टार डांस एकेडमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मोस्ट टफेस्ट सिचुएशन इन योर वंडरफुल जर्नी? सो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे टफेस्ट था ये, दिस हैपन इन डांस दीवाने। तो ऐसा हुआ था कि जब ऑडिशन चल रहा था, तो ऑडिशन के पहले हम लोग रिहर्सल कर रहे थे हॉल में। तो रिहर्सल करते करते मेरा लेफ्ट एंकल ट्विस्ट हो गया था, ये वाला, ये मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो एक स्टेप कर रहा था मैं, रिहर्सल नया सीखा था मैंने और मैं वो करके दिखा रहा था मेंटर्स को। तब मेरा ये एंकल ट्विस्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरे लेफ्ट एंकल के बोन पे। तो मेरा लेफ्ट लेग के बोन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। फिर डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने देखा,
फिर उन्होंने बोला कि इसको 2 दिन का रेस्ट दो, इसको कुछ मत करो। और ऑडिशंस को शायद सिर्फ 7 डेज रह गए थे, तो 2 दिन का मेरा ऑलरेडी ब्रेक हो गया था, 7 या 6 डेज ऐसा कुछ रह गए थे। तो 2 दिन मैं चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, मेरा लेफ्ट लेग में ज़मीन पे रख नहीं पा रहा था, मुझे सिर्फ राइट लेग पे ऐसा जंप कर करके चलना पड़ रहा था। मैंने ऑडिशन निकाला, मैंने मेगा ऑडिशन निकाला, ग्रैंड प्रीमियर निकाला। फिर उसके बाद जब फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एक्ट था वो था प्रेमिका ने प्यार से वाला, जब गाना मैं कर रहा था तब उसके पहले मुझे रिहर्सल्स के दौरान मुझे पेन होने लगा पैर में। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि पेन हो रहा है, तो फिर डॉक्टर हमको लेके गए, मुझे लेके गए MRI स्कैन के लिए। तो जब मैं MRI स्कैन के लिए गया तब मुझे बताया कि मेरे लेफ्ट एंकल का लिगामेंट पार्शियल टेयर हो चुका है। तो तब वो सुन के मैं बहुत हिल गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैंने लेफ्ट लेग पे और प्रेशर दिया तो वो कंप्लीट टेयर भी हो सकता है और फिर मैं चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे बेड रेस्ट हो जाएगा, तो मैं शो कैसे कंटिन्यू करूंगा, मुझे शो करना था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको लेफ्ट लेग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो उसके बाद मैं फिर फिजियोथेरेपी करते रहता था एंड पूरा शो का जर्नी मैंने ऐसे ही निकाला विथ माई इंजुरी विच इज़ लिगामेंट टेयर पार्शियल टेयर। और हम मुझे ऐसा कहा गया था कि शो ख़त्म होने के बाद आपको 4 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, और मुझे नहीं पता था कि 4 महीना शो ही एक्सटेंड हो जाएगा। तो 9 महीने का शो हो गया और मैं 9 महीने तक डांस करते रहा और मैंने ये पैर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला होपफुली, और वो पार्शियल से कम्प्लीट नहीं हुआ। तो अभी मुझे रेस्ट करना है इसलिए मैं थोड़ा डांस कम कर रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस। योर फेवरेट सॉन्ग इज इफ आई वाज योर बॉयफ्रेंड नेवर लेट यू गो, थोड़ा सा मैंने तो गाना गा दिया। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? गाइस मैं वेज भी हूँ, नॉन वेज भी हूँ, मैं दोनों खाता हूँ। मेरे घर पे कुछ भी भेज सकते हो आप स्विगी से। आर यू मिसिंग डांस दीवाने? यस, मैं डांस दीवाने बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं स्टेज को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, रुपेश भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन 10th क्लास? मुझे 10th क्लास में थे 86% और मैं आया था 5th रैंक, और मेरा बोर्ड पे फोटो भी छपा था मेरे स्कूल के आगे। स्पेयर टाइम में मैं क्या करता हूँ? स्पेयर टाइम में मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ, पबजी खेलता हूँ और नेटफ्लिक्स सीरीज देखता हूँ मैं। मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। सो बहुत छोटा था मैं, शायद मैं 2nd स्टैंडर्ड में था। तो ना टीचर खड़ी थी, मतलब ऐसा था कि दरवाज़ा है और पूरे ऐसे बेंच लगे हुए थे, तो मैं दरवाजे के पास खड़ा था। तो टीचर मेरी नोटबुक चेक कर रही थी, तो मैं डर रहा था क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। तो टीचर ने फिर डांटा मुझे और मुझे एक चाटा मारा था। जैसे ही टीचर ने चाटा मारा मैंने वहीं दरवाजे पे खड़े खड़े सुसू कर दिया सबके सामने। तो वो मेरे लाइफ का, स्कूल लाइफ का सबसे मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट था। दैट्स इट गाइस। व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव ब्रोकन? तो हमने मलेशिया से मंगाया था शायद से, हमारे कोई रिलेटिव रह रहे थे तो वो आ रहे थे वापस नागपुर, तो हमने उनके हाथ से मंगाया था लूमिक्स का एक डिजिटल कैमरा। तो हम लोग गए थे मुंबई के SL World घूमने के लिए जब मैं छोटा था, तो हमने फ़ोटो खींच रहे थे बहुत, वाटर पार्क में जा रहे थे फ़ोटो खींच रहे थे, तो गलती से पानी उड़ गया वो कैमरा के ऊपर। तो मैंने वो मतलब तोड़ा नहीं है बट मैंने ख़राब किया, ख़राब करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पॉइल्ड? नहीं, खराब कर दिया गाइस। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक इन योर होम एंड योर फैमिली? फैमिलियर विथ फैमिली? यू आर फैमिलियर विथ मराठी लैंग्वेज? नो, आई एम नॉट सो फैमिलियर विथ मराठी लैंग्वेज एंड आई स्पीक हिंदी द मोस्ट, बिकॉज मैं पहले MP में रहता था एंड मेरे सारी फैमिली मतलब वो आती है पहले से मराठी। तो मेरा मतलब बॉर्न भी MP में हुआ है, मैं रहता भी MP में था, तो मुझे हिंदी की ज़्यादा आदत है, बट मुझे मराठी ये थे मला येते थोड़ी थोड़ी मराठी, मला वाली मराठी नाही मले वाली मराठी येते मले। ठीक आहे। विच फूड आयटम यू लाईक द मोस्ट ॲज अ नागपुरियन अँड विच प्लेस? वांग्याची भाजी, गपगप शिरा। सो फूड मैं बताना चाहूँगा कि संतोष पकोड़े वाला और तर्री पुआ मुझे बहुत पसंद है। पकोड़े वाला तो बहुत पसंद है क्योंकि क्लास के पास है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। मान्यावाड़ा में हमारी क्लास है, यहाँ से थोड़ा दूर पे जाना है, पकोड़े लेके आते गरम गरम खाते। तो नागपुर में फुटाला और सेमिनरी हिल के अलावा मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैंने कुछ देखा भी नहीं,
तो बस यही मुझे पसंद है। हाउ डू यू फील आफ्टर परचेसिंग आईफोन? समथिंग अबाउट रुपेश सोनी सर, यू आर माई फेवरेट ऑलवेज। रुपेश भाई अलग ही बंदे, उनकी वाइब मुझे बहुत पसंद है। सारा टाइम मज़े में रहते हैं, यहाँ पे स्पीकर लटका रहते हैं अपने वेस्ट पे कमर पे और पूरा टाइम गाने बजाते रहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार इंसान है, बहुत मज़ा आता है। उनकी वाइब बहुत अच्छी है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको। और उनके साथ रिहर्सल इतने मज़े में निकल गए, सीजन इतने मज़े में निकल गए, मैं क्या बताऊँ। विच डांस शो विल यू डू नेक्स्ट? डांस शो मुझे झलक दिखलाजा करना है, मेरा बहुत मन है झलक दिखलाजा करने का। आई डोंट नो वो भी आएगा या नहीं आएगा, मुझे उसमें चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हमेशा मैं विश करता हूँ एक कि मुझे एक बार झलक दिखलाजा करना है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो शो। इन केस यू गेट अ चांस टू वर्क विद डी सर एंड रेमो सर एट द सेम टाइम, हुम वुड यू वर्क विद? गाइज मैं बताऊँ, मैं सुबह का बुक करूँगा रिहर्सल धर्मेश सर के साथ और नाइट का रेमो सर के साथ। मैं दोनों के साथ काम करना चाहूँगा गाइज, दोनों ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, कौन मिस करेगा। दोनों के साथ काम करूँगा, कुछ भी करूँगा, सब एडजस्ट करूँगा, बट दोनों के साथ काम। खाना नहीं खाऊँगा मैं, जीवन नहीं, पन काम करी दो गाइज बात काम खाना नहीं खाऊँगा बट एडजस्ट करूँगा और मैं दोनों के साथ काम करूँगा। तुम मिस रानी के शाहरुख बनोगे? How did you find that you are interested in dance? Guys, ऐसा हुआ था ना कि मेरे parents मुझे बोलते थे कि बचपन में हम लोग राजस्थान घूमने गए थे और मैं बहुत छोटा था, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोग ढोल बजा रहे थे, कुछ तो बजा रहे थे इंस्ट्रूमेंट, तो वो लोग बजा रहे थे और मैं डांस कर रहा था। जैसे वो बजाना रुक रहे थे मैं रोना चालू कर रहा था, तो फिर घर वाले मतलब मेरे पेरेंट्स उनको पैसे दे रहे थे कि तुम रुको मत, मत बजाते रहो, तो उनको पैसे देते थे और मैं मतलब नाचते रहता था ताकि वो लोग बजाते रहे। तो मुझे पता नहीं मैं कितने साल का था, बट मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो मैं अपने आप ही ऐसा डांस कर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बस हो गया। फिर व्हेन इज योर बर्थडे? नेक्स्ट मंथ 6 जनवरी गाइस, गिफ्ट आर वेलकम, बड़े गिफ्ट छोटे गिफ्ट सारे गिफ्ट वेलकम है, बहुत सारे गिफ्ट भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of outfits would you like to wear, traditional or casual or both? Both guys, मुझे दोनों पहनना बहुत पसंद है। दोनों में तुम्हारा भाई handsome लगता है, guys. भाई शायद कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। Ready to go open dance academy, guys? हमारा dance academy already है, ये हमारा dance academy है already, Poison Rockstar dance academy मानेवाड़ा में, you can join us now. We are ओपन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, आ जाओ। तो गाइस क्वेश्चन है कि मुझसे कब मिलने आ रहे हो? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एंग्री? गाइस 1+6 ब्रोकन एडिशन तो मेरे फोन फेंक दिया था एक बार गुस्से में, उसके बाद अब मैं फेंकने वाला, ये वाला नहीं फेंकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यू लव योर फैंस? गाइस आई लव माय फैंस सो मच, मैं मेरे सारे फैंस से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि आप लोग इतना टाइम निकालते हो, वो एडिट्स बनाते हो, इतने वीडियोस बनाते हो, इतने सारे फैन पेजेस ओपन करके रखे हैं कि मेरे दोस्तों को मेरा ही अकाउंट नहीं मिलता, कभी कभी ढूंढने गए तो मुझे बताना पड़ता है लिंक सेंड करके कि ये मेरा अकाउंट है। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो लकी टू हैव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल प्यूशियंस। तो गाइस बाय द वे इंस्टाग्राम अभी वेरीफाइड हो चुका है, तो अभी नो कन्फ्यूजन्स, ओरिजिनल आईडी पता चल जाएगी मीटिंग के साथ। मेमोरीज फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर करना है? सारी मेमोरीज अच्छी होती है, एंड अगर फ्रेंड्स को मेंशन करने जाओ तो मेरे सारे अच्छे अच्छे दोस्त थे, एक तो यहीं बैठा है लोकेश जो शूट कर रहा है, दूसरा जो घर पे सारा टाइम सोते रहता है केतन, फिर चिराग, सोनू दीदी, निशा दीदी, स्नेहल, अनिकेत, सारी मेमोरीज उनके साथ अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं कि एक बेस्ट या वो बेस्ट, सारी मेमोरीज अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग मेरे साथ रहते हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ। What was the first thing which you did after winning? Guys, सबसे पहले तो मैं बहुत रोया, फिर उसके बाद मैं इतना नाचा और फिर मैंने इतना पानी पिया क्योंकि मैं थक गया था और फिर मैं सो गया बस। Can you make a house tour video? Yes guys, जब मेरा खुद का घर बन जाएगा
तब मैं पक्का हाउस टूर वीडियो बनाऊंगा फॉर श्योर। आप कितने ईयर से डांस कर रहे हो और आपने डांस कैसे सीखा? मैं 13-14 साल हो गए डांस करते हुए, वैसे तो बचपन से कर रहा हूँ बट डांस क्लास में ज्वाइन करके प्रोफेशनली सीख रहा हूँ उसको 13-14 साल हो गए। और मैंने सीखा है अमोल गोटिकर सर से, विच इज एट पॉइजन रॉक्स डांस अकेडमी झापे में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे पीयूष सृष्टि दिस साइड, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड थ्रू आउट? गाइस, मुझे बस इतना पता है कि मुझे डांस में आगे बढ़ते रहना है, उसके लिए मुझे खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए खुद को आपको मेहनत करना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल। डू यू लाइक बीइंग अराउंड द पीपल और बीइंग अलोन? आई लाइक टू बी अराउंड द पीपल, ऑफ कोर्स नॉट अलोन। दैट्स इट गाइस, मैं थक गया स्क्रॉल करते करते, इतने सारे क्वेश्चंस थे बट मुझे उसमें से जो अच्छे लगे ऑफ कोर्स मैंने वो चूज किए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि Q&A का पार्ट टू आना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाओ, पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू चाहिए, वी वांट पार्ट टू, ऐसा कमेंट कर दो। सो ऑफ कोर्स मैं फिर से एक पार्ट टू लाऊंगा Q&A का। सो यस, Q&A का आज का वीडियो रखते हैं इतना ही। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोग से बात करने का, आपके सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आंसर देने का, जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं थे मेरे लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आया। सो ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थम द बेल आइकॉन, सॉरी हिट द बेल आइकॉन, या हाउ टू हिट द बेल आइकॉन अब ते करूँ दाखू।